नमस्कार, यदि आप भी अपने पान का एनालिसिस करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। ये एक राइट हैंड मेड पाल है, इनकी एज है 23 वर्ष। आपकी जो मेन क्वेश्चंस थे वो हेल्थ, वेल्थ, फैमिली, करियर, इन सब से रिलेटेड है। तो सबसे पहले आपके इन डाउट्स और क्वेरीज की तरफ चलते हैं। देखिए, आपकी भाग्य रेखा को हम देखें तो भाग्य रेखा जो है आपकी वो चंद्र पर्वत से चल रही है। ऐसे लोग अगर आईटी सेक्टर में जाएं तो काफ़ी ज़्यादा फायदा देखने को मिलता है। अगर ध्यान से देखा जाए तो एक रेखा आपकी भाग्य रेखा को भी टच कर रही है। इस प्रकार से देखिए, ये जो लाइन होती है फॉरेंसिक कनेक्शन को दिखाती है। तो कहीं ना कहीं आप मान सकते हैं या तो आपकी कंपनी इस प्रकार की होगी कि वो फॉरेन कंपनी हो तो वहाँ से ग्रोथ देखने को मिल जाती है, या फिर आपके पाम के थ्रू ये भी कहा जा सकता है कि फॉरेन में जाकर सेटलमेंट के भी योग कहीं ना कहीं मुझे दिख पा रहे हैं। सेटलमेंट नहीं होगा तो कहीं ना कहीं आप फॉरेन जाएंगे ज़रूर। फॉरेन जाने के कनेक्शन कहीं ना कहीं मुझे दिख पा रहे हैं। भाग्य रेखा को देखें तो ये इस प्रकार से चली है। पिक्चर ब्लर होने के कारण इतनी स्पष्ट रेखा मुझे नहीं दिख पा रही है, लेकिन जितना दिख रहा है उसके बेसिस पे अगर प्रिडिक्ट किया जाए, भाग्य रेखा की शनि पर्वत तक पहुंच पा रही है। तो कहीं ना कहीं आपकी ओल्ड एज में भी अर्निंग का एक सोर्स ज़रूर रहेगा। आपकी भाग्य रेखा जो है वो इस प्रकार से डगमगाते हुए गई है, तो कहीं ना कहीं करियर में आप या तो चेंज कर सकते हैं या फिर आपका ध्यान काफ़ी ज़्यादा भटकेगा, मतलब कि डाइवर्ट होगा। जॉब कर रहे होंगे तो बिज़नेस की तरफ जाएगा, बिज़नेस कर रहे होंगे तो जॉब की तरफ ज़रूर जाएगा। आप कोशिश बारंबार कर सकते हैं कि आपकी जॉब चेंज हो या फिर कुछ ना कुछ उसमें बदलाव आते रहें। जिस भी व्यक्ति की भाग्य रेखा चंद्र पर्वत से निकलती है, ऐसे लोगों की जो लाइफ होती है कम्फर्टेबल होती है। कहने का मतलब यह है कि शारीरिक परिश्रम नहीं करना पड़ता है, और कम्फर्टेबल लाइफ के साथ साथ ये भी शो करता है यदि आप आईटी सेक्टर में जाते हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर, हार्डवेयर इंजीनियर, दूध का काम करते हैं, दूध से रिलेटेड कुछ भी काम हो गया, जल से रिलेटेड कुछ भी काम हो गया, तो वहाँ आपको ग्रोथ देखने को ज़्यादा मिलती है। घर से अगर दूर भी जाते हैं तो वहाँ भी कहीं ना कहीं सफलता आपको अधिक मात्रा में मिल जाएगी। अधिक मात्रा में नहीं, मतलब अधिक मिल जाएगी। तो कहीं ना कहीं अगर आपकी फाइनेंशियल कंडीशन को देखा जाए तो मैं अच्छी ही देख पा रही हूँ। एक दो स्ट्रेस लाइन मुझे दिख रही हैं, सही जीवन में थोड़े बहुत खर्चे को भी दिखाती हैं। ये एज रही है आपकी करीब करीब 35 वर्ष के आसपास की, 38 39 मानिएगा आप इसको। आपका जो दूसरा क्वेश्चन था वो मैरिज से रिलेटेड है, अगर हम उस पर चलें। देखिए, मैरिज लाइफ आपकी बिल्कुल नॉर्मल जाएगी। यहाँ पर शायद ट्रायंगल का साइन है, आप एक बार चेक कर लीजिएगा। अगर इस प्रकार का ट्रायंगल का साइन है तो बहुत अच्छी मैरिज लाइफ को दिखाता है। ऐसे लोगों की मैरिज लाइफ काफ़ी बढ़िया जाती है। लाइफ पार्टनर से सपोर्ट देखने को मिलता है और जीवन में अच्छी ग्रोथ देखने को मिल ही जाती है शादी के बाद भी। तो कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ में मुझे कोई दिक्कत परेशानी नहीं दिख रही है। हालांकि इस पर ट्रायंगल का साइन है तो कहीं ना कहीं इसकी और भी ज़्यादा मजबूत स्थिति कह सकते हैं इसको। तो मैंने आपके फाइनेंशियल कंडीशन के बारे में बता दिया है, आपके वेल्थ के बारे में बता दिया है, मैरिज लाइफ के बारे में भी बता दिया है। तो सबसे अब चलते हैं आपके नॉर्मल एनालिसिस की तरफ। बुध पर्वत को देखा जाए तो बुध पर्वत आपका अच्छी स्थिति में है, बहुत अच्छी उभार इसमें तो नहीं दिख पा रहा है, लेकिन आप इसे मान सकते हैं कि बढ़िया इसे कहा जा सकता है। तो ऐसे लोगों की बौद्धिक क्षमता बढ़िया रहती है, बिजनेस में जाएंगे तो अधिक सफलता देखने को मिल जाएगी। उसका एक कारण ये भी है क्योंकि आपके पाल में बुध रेखा भी चली है। हेल्थ के रिगार्डिंग तो आपको इश्यूज़ ये दे रही है क्योंकि कहीं ना कहीं इस पर कट हैं तो हेल्थ के इशूज़ आते हैं हेल्थ से रिगार्डिंग। पर आप मान लीजिए कि व्यापारिक गुण आपके अंदर रहेंगे, फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड जो बातें होती हैं वो भी आपको बखूबी समझ आती हैं। तो कहीं ना कहीं बौद्धिक क्षमता आपकी काफ़ी बढ़िया है, मजबूत है स्थिति यहाँ पर। तो बिज़नेस के थ्रू आपको अच्छी सक्सेस देखने को मिल जाएगी। या तो आप बिज़नेस अगर करते हैं तो दूध से जुड़ा हुआ काम आपका, जल से जुड़ा हुआ काम आपका काफ़ी बढ़िया चलने वाला रहेगा। ऐसे लोग कैलकुलेटिव भी होते हैं, मैथमेटिक्स या फिर साइंस के फील्ड में बड़ी ग्रोथ को पा सकते हैं। सूर्य पर्वत की स्थिति देखी जाए तो सूर्य पर्वत की स्थिति काफ़ी बढ़िया है, एक रेखा इस प्रकार से पूरी गई है तो कहीं ना कहीं अच्छी सक्सेस को ये दिखाती है। जीवन में अधिक सफलता आपको देखने को मिलेगी और जो आपके वर्क प्लेस के जो लोग होंगे वो भी आपका सम्मान करेंगे। शनि पर्वत आपके फ्लैट है, ये रेखा जो इस प्रकार से जा रही है ये दिखा रही है कि आपके जीवन में जो बड़े पद के जो लोग होते हैं वो भी आएंगे, मतलब इनसे उनके साथ आपका मिलना जुलना भी हो सकता है। करियर के रिगार्डिंग आपको अधिक परिश्रम करना पड़ेगा, मेहनत करनी पड़ेगी। सफलता जो मिलेगी वो आपकी इच्छा के अनुसार, जो भी आपके अंदर जो भी आपकी एक्सपेक्टेशन रहेंगी उसके अकॉर्डिंग तो नहीं मिल पाएगी, परिश्रम करने पर ही, अधिक मेहनत करने पर भी जीवन में सक्सेस मिलती है। क्योंकि शनि पर्वत आपके यहाँ पर फ्लैट हैं तो कहीं ना कहीं ये समस्या दे रहे हैं। ग्रोथ आपको धीरे धीरे देखने को मिलेगी, जॉब करेंगे तो प्रमोशन बहुत अच्छे लेवल पर नहीं मिल पाएगा, प्रमोशन बहुत कम मिलेगा। बिजनेस भी करेंगे तो वहाँ भी कहीं ना कहीं
आपका बिजनेस इतने अच्छे लेवल पर ग्रो नहीं हो पाएगा, तो कहीं ना कहीं आपको यहाँ से समस्या ही दिख रही है। देखिए, इसके लिए उपाय होते हैं, लेकिन उपाय के साथ साथ आपको उस कर्मा पर भी ध्यान देना होगा। जब तक आपके कर्मा ठीक नहीं होंगे तब तक यहाँ से अच्छे रिजल्ट देखने को नहीं मिलेंगे, तो इस चीज़ का आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। उपाय हम इसके रिलेटेड आपको प्रोवाइड कर ही देंगे। जुपिटर माउंट आपका काफ़ी बढ़िया स्थिति में मुझे दिख रहा है, मैरिज लाइफ में कोई डिस्टर्बेंस ही नहीं दे रहे। ऐसे व्यक्ति नॉलेजेबल भी होते हैं, ज्ञान अधिक मात्रा में प्राप्त करते हैं। देखिए, एक तो व्यक्ति होते हैं पढ़े लिखे, एक होते हैं ज्ञानी, तो ये दिखाते हैं कि ऐसे व्यक्ति पढ़े लिखे हो ना हो, लेकिन नॉलेज बहुत अच्छी होती है ऐसे लोगों की, स्किल्स बहुत बढ़िया होती हैं, चीज़ों की रेस्पॉन्सिबिलिटी उठाना बखूबी जानते हैं। तो यहाँ से आपको सारे अच्छे गुण ही देखने को मिल रहे हैं। आउटर मार्क्स पर देखें तो आउटर मार्क्स पर ये जो रेखा दिख रही है दिखा रहे हैं कि शत्रुओं से हानि होने के योग बहुत हैं, तो कहीं ना कहीं आपको अपने द्वारा किसी से शत्रुता नहीं रखनी होगी। अगर मान लीजिए बाई चांस कभी जीवन में कोर्ट केस बन जाता है तो उसमें जीतने के चांसेस निल बराबर हैं, तो आपको अपनी तरफ से बिल्कुल कोशिश रखनी है कि किसी से लड़ाई झगड़ा ना करें, हमेशा अपना काम जो है वो शांति से ही कीजिएगा। प्रतिरोध क्षमता आपकी बढ़िया रहेगी, सांस ही हमेशा रहेंगे। हालांकि आपके मून माउंट को स्पेस कम मिला है, लेकिन मून माउंट आपका ठीक ठाक है। थोड़ा बहुत आपको ओवर थिंकिंग एंग्जाइटी की प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि माइंड लाइन पर भी थोड़ा बहुत प्रभाव है, स्ट्रेस है, और आपका चंद्र पर्वत भी इस प्रकार का है, तो कहीं ना कहीं मन विचलित रहना, बेफिजूल की चिंताएं करना, इस प्रकार की समस्या बनी रहती है। इसके लिए आप मेडिटेशन कीजिएगा सुबह सुबह उठकर 15 मिनट, तो अच्छा फ़ायदा देखने को मिल जाएगा। फ़ौरन से कनेक्शन बहुत हैं, तो यदि आप कोशिश करते हैं कि बाहर जाकर कुछ काम करते हैं तो वहाँ अधिक सफलता मिलने के चांसेस आपके बढ़ जाते हैं। वीनस माउंट को काफ़ी स्पेस देख मिल रहा है, यहाँ पर कुछ रेखाएं भी हैं जो कि दिखाती हैं कि अपनी मेहनत के द्वारा जो भी आपकी लग्जरियस लाइफ से रिलेटेड चीज़ें होंगी, अच्छा खान पान, रहन सहन, चार वाहन, गाड़ी, प्रॉपर्टी, ये सारी चीज़ें जो होती हैं उन सब की तरफ आपका ध्यान जाएगा, और उन सबको प्राप्त करने के लिए आप अधिक मेहनत भी कर सकते हैं। थोड़ी बहुत आड़ी रेखाएं तो पारिवारिक समस्याएं भी आ सकती हैं, ज़्यादा नहीं आएंगी, पर रेखाएं हैं तो उनका कुछ असर हो सकता है। आउटर मार्क्स बहुत ही आपका डाउन है, तो कहीं ना कहीं शारीरिक ऊर्जा नॉर्मल रहेगी। बीमारी आएंगी तो जल्दी आ जाना, मतलब बीमारी से जल्दी परेशान हो जाना, वीक इम्यूनिटी भी कहीं ना कहीं देखी जा सकती है। हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज फेस ज़्यादा कर सकते हैं आप। आप ये मान के चलिए कि बुढ़ापा में भी पीठ दर्द, कमर दर्द की समस्या, घुटनों की समस्या आपको अधिक परेशान कर सकती है। जीवन रेखा को हम देखें तो जीवन रेखा ठीक है आपकी, लेकिन आप मान के चलिए जीवन रेखा आपकी इतनी अच्छी चली नहीं है। हेल्थ के रिगार्डिंग आपको इश्यूज़ ज़्यादा फेस करने पड़ेंगे, क्योंकि जीवन रेखा आपकी कुछ एज के बाद है ही नहीं, उसके बाद आपकी जो हार्ट लाइन है वो ही जो आपकी फेट लाइन है वो ही आपकी जीवन रेखा का काम कर रही है, तो कहीं ना कहीं आपको हेल्थ के रिगार्डिंग इश्यूज़ ज़्यादा फेस करने होंगे। इसको मजबूत करने के लिए हम आपको एक मंत्र ज़रूर देंगे, उसका उपाय उसका मंत्र का आपको जाप ज़रूर करना रहेगा। अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान देना है आपको, जैसा आप खाना खाएंगे उसी प्रकार से ही आपको आपकी इम्यूनिटी रहेगी, तो अपने खान पान पर विशेष रूप से ध्यान देना होगा। ऑयली फूड का सेवन अगर आप करते हैं तो उसे कम कर दीजिए, फास्ट फूड अगर आप ज़्यादा खाते हैं तो उन सब का सेवन आपको कम करना रहेगा। ज़्यादा से ज़्यादा आपको अपनी इम्यूनिटी पर ध्यान देना है। आपकी माइंड लाइन को देखा जाए तो माइंड लाइन अभी आपकी इस प्रकार से लहराती गई है, तो कहीं ना कहीं डिसीजंस आपके बारंबार चेंज होंगे। देखिए, ये ज़रूरी नहीं है कि एक तरीके का नेगेटिव पॉइंट है, क्योंकि देखिए लाइफ में बहुत सारे चेंजेस आते हैं, तो सिचुएशन के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज करना कोई गलत बात नहीं मानी जा सकती, तो ये ठीक ही कहा जा सकता है। ये जुपिटर से शुरू हुई है, तो कहीं ना कहीं आपका नेचर एम्बिशियस रहेगा, महत्वाकांक्षी आप हमेशा रहेंगे। जीवन में कैसी भी परिस्थिति आ जाए लेकिन पॉजिटिव माइंडसेट ही रहेगा, यह इस चीज़ को भी दर्शाती है। आपकी जो माइंड लाइन है वो उस प्रकार से डिवाइड हो गई है, तो कहीं ना कहीं बुढ़ापे में जाकर आपकी निर्णय शक्ति और भी ज़्यादा मजबूत रहेगी। आम इंसान की तुलना में एक चीज़ को बेहतर तरीके से आप समझ पाने में और कर पाने में सक्षम हो जाएंगे। आपकी डिसीजन मेकिंग स्किल्स कहीं ना कहीं बहुत अच्छे लेवल पर मुझे दिख रही है, ओल्ड एज में भी बढ़िया है, तो आप ये मान के चलिएगा कि आपकी मेमोरी पावर भी शार्प रहेगी। हार्ट लाइन पर अगर हम आएँ तो हार्ट लाइन आपकी सैटर्न माउंट और जुपिटर माउंट के बिल्कुल बीच में है। ये दिखा रही है कि परिवार आपके लिए काफ़ी ज़्यादा महत्व रखता है, आपके लिए आपका काम, करियर, फैमिली सभी समान रूप से महत्व रखते हैं। ऐसा नहीं है कि आप अपने काम के लिए अपनी फैमिली को बिल्कुल भी प्रायोरिटी नहीं देते। एक रेखा इस प्रकार से नीचे जा रही है, कहीं ना कहीं मंगल की तरफ देख रही है, थोड़ी बहुत गुस्से की समस्या भी हो सकती है।
तो इसके लिए देखिए, गुस्से को कंट्रोल करने के लिए आपको उस पर स्वयं ही नियंत्रण रखना होगा। दूसरा, योगा मेडिटेशन करना काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी रहेगा, क्योंकि आपकी माइंड लाइन भी चंद्र पर्वत से आपकी फेड लाइन चंद्र पर्वत से निकली है, और कहीं ना कहीं चंद्र पर्वत को स्पेस भी नहीं मिला है, तो कहीं ना कहीं मेंटल स्ट्रेस, एंग्जाइटी की प्रॉब्लम बनी रहती है, तो उसकी वजह से गुस्से की समस्या आ जाती है। इसीलिए ही योगा मेडिटेशन करना काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद रहता है। हार्ट लाइन आपकी ठीक ही है, हार्ट लाइन आपकी इस प्रकार से कर्व हो जाए या फिर फिंगर्स की तरह मूव करने लगे, तो दिखाती है कि ज़्यादातर बातें आप अपने मन में ही रखते हैं, अपनी फाइनेंशियल मैटर से रिलेटेड जो भी बातें होंगी वो किसी के साथ शेयर नहीं करते हैं। देखिए, मैंने आपके पाम का एनालिसिस ऑलमोस्ट कर दिया है, आपके पाम की हाईलाइट का आपको रेमेडीज किस किस चीज़ की करनी है। आपके पाम में सब कुछ ठीक है, फेड लाइन बहुत अच्छी है, बिजनेस की तरफ अगर आप जाएंगे तो वहाँ भी अच्छी ग्रोथ देखने को मिल जाएगी। हेल्थ के रिगार्डिंग आपको चिंता करने का हेल्थ के रिगार्डिंग आपको चिंता करने की ज़रूरत रहेगी, क्योंकि वहाँ आपको ज़्यादा समस्या देखने को मिल सकती है। उपाय जो करने होंगे आपको वो करने होंगे, एक जीवन रेखा के रिगार्डिंग आपको मंत्र ज़रूर करना है, और फेड लाइन को मजबूत करने के लिए कुछ उपाय कीजिएगा। बस ये दो बेसिक सी रेमेडीज़ आपको ज़रूर करनी है। शत्रुता आपको किसी से नहीं रखनी होगी, वरना उसमें जो लॉस होगा वो आपको ही देखने को मिलेगा। ओवरऑल देखा जाए जुपिटर बहुत अच्छे हैं, तो कहीं ना कहीं मैरिज लाइफ आपकी काफ़ी बढ़िया चलने वाली रहेगी, और मान के चलिएगा फेड लाइन के साथ साथ फेड लाइन को मजबूत करने के लिए आपको महादेव की भक्ति बहुत ज़्यादा ज़रूरी रहेगी, क्योंकि जो आपके इष्ट देव हैं या फिर भाग्य के विधाता हैं, क्योंकि वो आपके महादेव ही हैं। तो उपाय आपको यही करने होंगे फेड लाइन से रिलेटेड और जीवन रेखा को मजबूत करने के लिए। जो भी आपके डाउट क्वेरीज रह गए हैं, जो आपको लगता है पूरे नहीं हो पाए हैं, या फिर मन में कोई शंका रह गई है, तो वो आप हमसे पर्सनली व्हाट्सएप पर पूछ सकते हैं, हम आपको एड्रेस सेटिस्फाई करके ही भेजेंगे। मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड कर रही हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो में।